क्योंकि उसकी आदत तो दिखाऊं। हंस रहा है साहिल, लिटरली स्माइल कर रहा है। आज है महाशिवरात्रि और तब तक मैं बना रही हूँ चाय। और ये रहा हमारे घर का मंदिर। और मैंने बनाया है आज भोग का प्रसाद, साबूदाना की खीर। आज है महाशिवरात्रि और इस दिन से ना बहुत सारी यादें मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। बट स्टिल हमने अपना वर्कआउट मिस नहीं किया है बिकॉज हम लगा लो मेरे को 20 डेज हो गए हैं ऑन स्ट्रिक्ट डाइट भी वर्कआउट। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रोल माय ब्लॉग। दिस इज योर रिचा सेठी और आज डाइट पे हो गए हैं कुछ 20 से 25 दिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पे। तो थोड़े थोड़े कपड़े भी लूज हो गए और अच्छा लगता है, यू फील गुड जब आपके कपड़े लूज होना शुरू होते हैं बिकॉज ऑफ सम हेल्दी रीजन। ऑफकोर्स बहुत टाइम से ये स्केड्यूल जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं, करना चाह रहे थे बट हो नहीं पा रहा था, बट नाउ फाइनली इट्स हैपनिंग एंड वी आर मोर देन हैप्पी। और अपनी जर्नी को आप सबके साथ शेयर करना मुझे वह भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज अगर मैं किसी एक को भी मोटिवेट कर पाई तो इट्स लाइक मोर देन एनीथिंग फॉर मी। क्योंकि कपड़े काफ़ी लूज हो रहे हैं तो आज चलते हैं शॉपिंग पे और एक्सप्लोर करने वाले हैं एक नया ब्रांड। ये ब्रांड बिल्कुल नया है बट धमाल मचा रखा है, इट्स ज़ूडियो। एग्जैक्टली, पटना में हमने इसको एक्सप्लोर किया था और स्टफ़ क्वालिटी एंड रेट्स इन सब के मामले में ना मेरे हिसाब से इसने ज़ारा फॉरएवर सबको पीछे छोड़ दिया। और मुझे तो इसका स्टफ़ इतना ज़्यादा पसंद है ना, नेक्स्ट व्लॉग में या फिर शायद इसी व्लॉग में मैं इसका हॉल भी शूट करूँ अगर मुझे टाइम मिला और एनर्जी थोड़ी सी बची रही तो। आज फिर फटाफट अपना हेल्दी फूड खा के थोड़ी देर रेस्ट करके जाते हैं जिम एंड देन विल गो फॉर शॉपिंग। देखते हैं आज क्या क्या मिलता है ज़ूडियो में हमें। और आज थोड़े बहुत कार्ब्स खा रही हूँ बिकॉज एनर्जी बहुत लो है। तो ये रही मैं, कपड़े सारे लूज हो रहे हैं, जैकेट्स लोअर, और आज बिल्कुल आने का मन नहीं था जिम। काफ़ी ज़्यादा फिटनेस हो गई थी आज, ऐसे ऐसे बस होते रहो बट नहीं, पुश किया खुद को और आ गए। और कपड़े देख रहे मैं, मज़ा आ रहा है मेरे को तो कपड़ों को देख के। सी चलो करते हैं आज का वर्कआउट शुरू और बातें कम, बिकॉज साहिल ने अगर देख लिया ना तो फिर मेरी तो वाट लग जानी है। और आज तो भाई साहब लेवल अप हुआ आज वर्कआउट का, और अब चल रहे हैं बिहार हाथ मारना सीख गए, अब नहीं मार रहा। आगे 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 लिटरली मैं खुशी आपको बता नहीं सकती कि जो ड्रेस आपको फिट आ जाए ये मेरे को फिट नहीं आ रही थी और अब ये मुझे फिट आ रही है। आई एम सो हैप्पी। वर्कआउट और डाइट से सच में बहुत फर्क पड़ता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। हेल्दी तो आप होते ही हो, देखो वो तो प्लस पॉइंट है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है, हैप्पी हॉर्मोन रिलीज होते हैं, यू नो अच्छा लगता है यार ओवरऑल। बस मैंने तो भगवान को बोला इस बार फिट कर दो, मैं वेट गेन नहीं होने दूंगी, अब बहुत मेहनत करनी पड़ती है वापस उन फैट को लूज करने में। और पता है क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब आप फैट लॉस करते हो ना तो बहुत फास्ट होता है, सेकेंड टाइम थोड़ा स्लो, थर्ड टाइम और स्लो, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो प्रोसेस और स्लो हो जाता है। तो इसलिए अगर आप एक बार फिट हो गए ना तो गलती मत करना। मैंने गलती नहीं की थी, लाइफ का हालात कुछ ऐसा था कि चलो इस बारे में बात नहीं करेंगे। दैट वॉज लाइक अ सैड पार्ट ऑफ माई लाइफ, मुझे उस बारे में बात नहीं करना, हैप्पी हैप्पी बात करनी है हमेशा। तो वो चल रहे शॉपिंग के लिए और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का ज़ूडियो। पटना में ज़ूडियो स्टूडियो था, गए थे हम वहाँ पे, मैं साहिल भैया भाभी बच्चे, और यहाँ पे मैं और साहिल जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है आज वहाँ पे। नो डाउट पटना का तो बहुत बढ़िया था ज़ूडियो स्टूडियो का सारा कपड़ा एंड शूज एंड ऑल एवरीथिंग, यहाँ का देखते हैं कैसा होता है। जो स्लीपर है ना ये भी ज़ूडियो का ही है, पटना से लिया था हमने, तो काफी कंफर्टेबल है, स्लीक है, फ्लैट है और सुंदर भी है। देखो like
walking around with a smile. You got me feeling like curfew after nine. Yeah. Tearing it up with your style. You got me living a brand new kind of life. Tonight. So we have reached to our destination. अब देखते हैं यहाँ के ज़ूडियो स्टूडियो का कलेक्शन कैसा है. और ये सामने है ज़ूडियो बिल्कुल. और यहाँ से है एंट्रेंस और यहीं पे पार्किंग भी है. स्टूडियो स्टूडियो और लाइट कैसी आ रही है. ये मेल सेक्शन जो कि है फर्स्ट फ्लोर पे, फीमेल सेक्शन है ग्राउंड फ्लोर पे. और रेट स्टार्ट पर दिख रहे होंगे 499 399. अच्छे लग रहे हैं वैसे. और कपड़ा कितना है ये. हाँ हाँ बड़ा ही लग रहा है. अभी बड़ा लग रहा है ना. नहीं अच्छा लग रहा है. और दूसरा कलर ब्लैक ये अच्छा लग रहा है. वैसे देख इसका वर्क बिल्कुल धागे का है. ये देखो हाँ वाइट भी देखो. वाइट भी वाइट भी अच्छा लग रहा है. और ये भी धागे का वर्क है. चलो ये डाली ले सकते हो. लेकिन शर्ट में तो मीडियम लेनी होगी. हाँ दिक्कत लैग लेनी पड़ेगी. तो कोई दिक्कत नहीं. शूज का कलेक्शन भी काफी अच्छा है. और अब आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे मेरी शॉपिंग करने के लिए. मैंने बहुत कुछ लिया है जिसका डिटेल वीडियो आपको मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ब्लॉग में दिख जाएगा. बिकॉज यहाँ पे सब कुछ लेना एंड शूट करना वॉज नॉट कपड़े लिए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी. और ये देखो खुशी तो देखो मेरे शक्ल की. कपड़े यही बैठो आ रहा बिस्किट लेके. चल इसके लिए बिस्किट लेके आ रहा है. और मैं यहाँ बैठी हूँ मस्त बैठा हुआ है. मैंने गाड़ी जाने वाला गेट खुला रखा है तो यहाँ बैठा हुआ आराम से. ही इज वेटिंग फॉर हिज बिस्किट्स. हाँ भूख लग गई है इसको. बस मिल रहा है साहिल गर्ल आने बिस्किट सबको मिल जाएगा बिस्किट. ओके मैं फ्लैश जानकर जला रही वरना इसको दिक्कत होगी. जाऊंगा तो पानी दे दे. भूखी लगी है इसको. ये देखो कहाँ में बिस्किट नहीं आया घर चला जाता. गाड़ी में देख रहा नहीं खा लेगा. अब खा लेगा. अब खा लेगा. वेट करो देखो खाता है तो. मैं वेट कर रही हूँ साहिल गया है अभी उसके लिए एक और बिस्किट लाने के लिए. और मैंने गेट बंद कर लिया बिकॉज नया एरिया है. मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ. पहली बार आया हूँ यहाँ पे तो इसलिए मैंने गेट बंद कर लिया है. वो मस्त खा रहा है. आई एम सिटिंग इनसाइड वेटिंग फॉर साहिल एंड देन गो होम. सुल्तान में अकेला हूँ. You are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day. In the light of day. And when we open our eyes, my voice fade away.
तो घर आ गए हैं, ड्रेसेस बहुत अच्छे अच्छे मिली हैं, बट अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं उनको ट्राई करके शूट करूं। तो मैंने सोचा मैं कल उनको ट्राई करके आई विल शूट, और उसके बाद विद ट्राइज आपको भी आइडिया लग जाएगा कि वीडियो का कलेक्शन इज एक्चुअली गुड और अच्छे कपड़े मिल जाते हैं यार। इट वॉज लाइक गुड एक्सपीरियंस, मेरा ये सेकेंड एक्सपीरियंस है एंड आई एम लाइक कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, अ बिग थम्स अप। तो अभी जा रही हूँ बनाने खाना, पनीर वनीर रायता, और उसके बाद खा पी के तो सो जाऊंगी बिकॉज नींद आ रही है।